गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अच्छा ठीक है, हाँ बहुत 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 टाइम के पंक्चुअल है हम लोग। टीचर ने जो बोला वही सही है, देखो। हाँ ठीक है, अब सुनो। आज आज अपनी मार्जिन कॉस्टिंग की फर्स्ट क्लास है। आज की क्लास से हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करने वाले। हम कह सकते हैं मार्जिन कॉस्टिंग आपके पूरे कॉस्टिंग के सिलेबस का सबसे कंसेप्चुअल चैप्टर है। एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम कह सकते हैं आपको एक्चुअल में दिमाग लगाना पड़ेगा इस चैप्टर में और एक बजटिंग वाले में। बाकी सब तो मोनोटोनस है, होता रहेगा कि अच्छा ये करेंगे तो वैसे हो ही जाएगा। मार्जिन कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक ही क्वेश्चन को करने के शायद चार तरीके हो सकते हैं, तो चार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मेरी टीचिंग मेथडोलॉजी क्या होगी, हम आपको ढेर सारे क्वेश्चन करवाएंगे, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन सबके सब यहाँ पे फीड हैं, घबराइएगा मत। एक एक क्वेश्चन, एक एक वैरायटी का क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है। आपके पास में जो एमसीक्यूज हैं उसमें केवल अराउंड 56 एमसीक्यूज हैं, 56 है ना, 56 एमसीक्यूज हैं। कुछ सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, लेकिन जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन सब जगहों पे उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको लिखवा के करवा देंगे, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चंस को करते जाइएगा, घर जा करके कुछ क्वेश्चंस एक बार आप रिवाइज करना चाहें, रिव्यू करना चाहें, उतना करते रहिएगा, दैट मच विल बी इनफ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं मार्जिन कॉस्टिंग के साथ में। अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़ा है तो भी आपको केवल इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आज की क्लास में कि दो तरीके की कॉस्ट होते हैं। आइए आइए, दूर चले गए थे खाने। चलो, तो केवल इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है कि दो तरीके के कॉस्ट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। इतना तक आता है? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि चेंज नहीं होगा विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि चेंज होगा विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। बस इतनी भर जानकारी अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को जरूरत है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस चैप्टर का नाम आपके सिलेबस में दिया हुआ डिसीजन मेकिंग टूल। आइए डिसीजन लेना सीखते हैं। हमने कहा आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और इस बिजनेस को स्टार्ट करते ही आपने एक जगह रेंट पर ले ली है और उसका रेंट आपने 10,000 रुपया दे दिया है। आपने जगह रेंट पे ले ली है, उसका रेंट 10,000 रुपया दे दिया है, ठीक है। एक महीने के लिए आपने ये जगह रेंट पे ली है, फॉर वन मंथ। अब आपका जो सेल है पर यूनिट वो है 20 रुपीस और आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट वो है 16 रुपीस। आपको क्या लगता है आप कितने यूनिट्स बेच लेंगे? तो आप 2000 यूनिट्स इस मंथ में बेच लेंगे। बताइए आपको ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भयंकर कैलकुलेशन चल रही है आप लोग की। खत्म, मतलब बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्यों? अरे बोलो, जो कैलकुलेट किया है बताओ। सेल करते हैं 20 रुपए में, वेरिएबल खर्चा लगाते हैं 16 रुपए, तो 4 रुपए हर यूनिट से कमाते हैं, है ना। कितने यूनिट से कमाएंगे? 2000, तो टोटल कितना कमा लेंगे? लेकिन 10,000 रुपये तो रेंट पे कर दे रहे हैं, है ना। 10,000 रुपये क्या पे कर दे रहे हैं? रेंट। तो ओवरऑल हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले बताओ इतना गिनना आया कि नहीं आया? अगर ये भी गिनना नहीं आया तो फिर इसको देखो। कॉस्ट दो तरीके का, फिक्स्ड कॉस्ट कितना रुपया, 10,000, वेरिएबल कॉस्ट कितना रुपया, 16 × कितने यूनिट्स, 2000, 32,000। बताइए टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 42,000। दिस इज टोटल कॉस्ट। सेल्स कितने रुपए की,
20 × 2000 कितनी हो गई? 40,000। मतलब ओवरऑल हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने रुपए का? 2,000 रुपए का हमको लॉस हो रहा है। ये कैसे आया था? 16 × 2000 करके। तो लॉस हो रहा है। हमें इस बिजनेस को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? जब हम ये जगह रेंट पे ले चुके हैं, हमें इस बिजनेस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, इस बिजनेस को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आइए ऐसे दिखते हैं। ये बताइए, क्या हमने रेंट पे कर दिया है? हमने रेंट पे कर दिया है। अब क्या ये वापस मिल सकता है? नहीं, अभी वापस नहीं मिल सकता है। इसका मतलब अगर हम कुछ करें या ना करें, हमारा प्रोडक्शन कितना भी हो या जीरो हो, हमेशा ये रेंट तो लगेगा ही लगेगा। यस, ये रेंट तो लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब अगर ये रेंट लगेगा ही लगेगा, तो अगर 4 रुपया पर यूनिट कमा सकते हो तो कमाओ ना। अगर कुछ नहीं करते हो, ध्यान से सुनना, अगर कुछ नहीं करते हो तो भी 10,000 रुपया तो जाएगा ही। तो अगर बिजनेस नहीं करते हैं, इफ बिजनेस नॉट डन, तो बताओ लॉस कितना हो जाएगा? पूरा 10,000 का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, इफ बिजनेस इज डन, तो बताओ हमको लॉस कितने का हो रहा है? 2,000 रुपए का। तो ये अलग बात है कि हाँ, एक महीने चलाने के बाद अगले महीने नहीं चलाएंगे, वो अलग चीज है। लेकिन अगर एक बार हम इस बिजनेस को, इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि रेंट पे कर चुके हैं, अब बताओ इस बिजनेस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बिकॉज अगर हम बिजनेस करेंगे तो हमारा लॉस कम हो जाएगा। और ये लॉस क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हम हर यूनिट से कितना कमा रहे थे? 4 रुपए। हर यूनिट से कितना कमा रहे थे? 4। और कितनी यूनिट्स के ऊपर कमाई किए? 2,000। बताओ 2,000 यूनिट्स के ऊपर अगर हमने 4 रुपए कमाए, तो उसे कितना कहेंगे? 8,000। इस 8,000 की अर्निंग की वजह से ही तो हमारा लॉस 10,000 की जगह कितना हो गया? 2,000। अब ध्यान से सुनना, हमारे इस चैप्टर का नाम डिसीजन मेकिंग भी है। तो हम लोग हमेशा अपने डिसीजंस को लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वी ऑलवेज टेक आवर डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग अपने डिसीजंस को लेते हैं, टोटल कॉस्ट के बेसिस पे नहीं। ठीक है, बार्गेनिंग करने जाओ कभी दुकान पे, वो सामने से दाम कहेगा 200, आप कहेंगे 50, फिर कहेगा 150, 60, 100, 70। फिर उसके बाद एक पॉइंट पे आ जाते हैं कि नहीं, हाँ हाँ, ना तुम्हारी ना मेरी, चलो 70 रुपए में डन करते हैं। वो किस पे था? 80 पे था ना। मान लो 80, आपने कहा 60, आप कहते हैं अच्छा ना तुम्हारी ना मेरी, 70 पे। तो एक पॉइंट पे आकर के कह ही देता है नहीं, अब नहीं, 80 तो खरीद दाम है हमारा। लास्ट में आके कहता है ना, 80 तो खरीद दाम है हमारा, इससे कम पे बेचेंगे तो नुकसान हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में भी है कि जितने में खरीदे हैं, कम से कम उतने में तो बेचेंगे ही। मतलब अगर हमने इसको बनाया है 16 पे, तो अगर हम एक यूनिट बनाते हैं तो कितना पड़ता है? 16। 20 पे खरीदा जा रहा है, मतलब 20 पे बिक रहा है, बेच देंगे। 19 पे बिक रहा है, बेच देंगे। 18 पे बिक रहा है, बेच देंगे। 17 पे बिक रहा है, बेच देंगे। 16.01 पे बिक रहा है, 16 पे बिक रहा है तो भी बेच सकते हैं, क्योंकि फायदा भी नहीं नुकसान भी नहीं है। 16 का खरीदे थे, 16 का बेच दिए। लेकिन अगर वो 15.99 भी देगा ना, तो भी नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो कम से कम हमारी वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर होनी ही चाहिए। तो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया कौन सा होता है बताइए? द डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया इज वेरिएबल कॉस्ट, एंड द सेल्स मस्ट ऑलवेज बी ओवर वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कभी भी वेरिएबल कॉस्ट से कम नहीं होनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर में द मेन डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया इज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? तो इसमें हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। क्लियर? चलो इतना तक लिखना, एक बार स्टार्ट करो, एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको नोट कर लेना। ये सब लिखने के बाद अब फिर लास्ट में लिखना, आप छापना यहां से स्टार्ट करिए, फिर वो फिर इस पे आइएगा। हेंस अंडर
मार्जिनल कॉस्टिंग, डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, नॉट टोटल कॉस्ट। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि लॉस इज मिनिमाइज्ड, लॉस इज मिनिमाइज्ड। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर में ये जो वर्ड है मार्जिनल कॉस्ट, इसका क्या मतलब होता है आपको ये सिखाने वाले हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर में एग्जैक्टली ये मार्जिनल का मतलब क्या हुआ ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो जब भी हम लोग वर्ड मार्जिनल कहते हैं तो मार्जिनल का बेसिकली एक ही मतलब होता है, एन एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट को हम लोग कहते हैं मार्जिनल, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि एक एडिशनल यूनिट की कितनी कॉस्ट लगेगी, एक एडिशनल यूनिट की कितनी कॉस्ट लगेगी। इसको ऐसे करके समझिए, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि आपने एक मशीनरी परचेस कर ली है, आपने एक मशीन परचेस कर ली है और उस मशीन का कॉस्ट है 5000 रुपए, और इस मशीन की कैपेसिटी है कि वो बना सकता है 100 यूनिट। जब हम इस पे एक यूनिट बनाएंगे तो उसका वेरिएबल खर्चा लगेगा 8 रुपए पर यूनिट, और इसको हम सेल कर पाएंगे एट, इसको हम चलो 80 कर देते हैं, इसको हम सेल कर पाएंगे एट ₹200 पर यूनिट, ठीक है। अब देखो, जब हम एक मशीन लेकर के आ रहे हैं उसका फिक्स खर्चा कितना लग रहा है 5000, कितने यूनिट्स बना सकते हैं 100, तो हम एक यूनिट बनाएंगे कितना लगेगा 80, दो बनाएंगे 80 और लग जाएगा, तीन बनाएंगे 80 और लग जाएगा, क्योंकि भाई मशीन का खर्चा तो फिक्स्ड है। तो जब हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट बनाएंगे तो कितना एक्स्ट्रा लगेगा 80, 99 यूनिट्स बनाए 80 और लग गया, 100 बनाए 80 और लग गया, 101 अगर बनाएंगे तो क्या अब एक और मशीन खरीदनी पड़ेगी? यस। तो अब 101 यूनिट्स की बताइए मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो हो सकता हम उसको बनाना चाहें, हो सकता हम उसको बनाना ना चाहें। इसको ऐसे सोचो, हमारे पास में 95 यूनिट्स बन चुके हैं, बताओ हम और कितने यूनिट्स बना सकते हैं? 5। हमारे पास में एक ऑर्डर आया और उसने कहा देखिए हमको 10 यूनिट चाहिए, तो हम ये निकालेंगे ना, 5 बना सकते हैं, 5 और बनाना पड़ेगा, तो 5 और बनाने के लिए हमें एक और
मशीन खरीदनी पड़ेगी तो उसका खर्चा ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक और यूनिट बनाने पे कितना खर्चा लगेगा ये निकाल करके बताओ, और उसी के बेसिस पे फिर हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। अगर एक और यूनिट हम बनाते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला एक्स्ट्रा कॉस्ट विल बी कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। अब बताओ जब हम एक और यूनिट बनाते हैं तो कौन सी कॉस्ट चेंज होती है? वेरिएबल कॉस्ट। इसीलिए यहां पे हम लोग इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? केवल वेरिएबल कॉस्ट को। ठीक है, सो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड। लिखिए, मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड। मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल कॉस्ट ऑफ अ गुड। चलो वापस से बेइज्जती के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपसे हम सवाल पूछने वाले हैं। बताओ, ये क्लास 6-7 के बच्चों को भी आता है, लेकिन हमें डाउट है थोड़ा आपसे पूछते वक्त। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बाय सीपी। ओके, बोलो। हम सोच रहे हैं, अब इसके बाद जो हमें बोलना है, हम ये माइक ऑफ करके बोले या ऐसे ही बोले? अरे तुम लोग इतना अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज तुम लोगों ने 11th 12th में रेशियोज में ये पढ़ा होगा। हे भगवान, मतलब अगर ये बताना पड़ गया तो सच में पानी कहाँ है, छलांग मार लो तुम लोग। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन क्या? सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस? बस इतना बताओ, तुक्का मारो। चलो, सेलिंग प्राइस, तुक्का सही है। प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस। जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। हमेशा ये सारे रेशियोज किस बेसिस पे निकालते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ऑल दीज रेशियोज आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। क्लियर है? इतना तक याद रहेगा। अब कहां पे काम पड़ेगा बताएंगे, चिंता मत करिए। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया? प्रॉफिट अपॉन सेल्स। जीपी का परसेंटेज क्या हो गया? जीपी अपॉन सेल्स। ऐसे ना होता है। चलो अब बताओ, कॉस्ट के कौन से दो हिस्से? कॉस्ट के कौन से दो हिस्से? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। प्रॉफिट कैसे करके निकालते हैं? प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है, सर सेल्स लिखिए और इसमें से कॉस्ट घटाइए, तो जो बचेगा वो क्या होता है? प्रॉफिट। यही ना होता है? सभी लोग ध्यान सुनना, सेल्स में से कॉस्ट घटाइए तो जो बचा है उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में अपना तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें हम लोग कहते हैं आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाइए। कौन सा कॉस्ट घटाइए? तो जो बचेगा उसको नाम देंगे कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका नाम क्या हो गया बताइए? कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट घटाएंगे तो जो बचेगा फिर उसे क्या कहेंगे बताइए? तो बताओ इसके अंदर में क्या केवल एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया? कौन सा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटा देंगे तो क्या बचेगा? प्रॉफिट। समझ में आया? तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटा देंगे तो फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक? अब बताओ हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज को कैसे निकाल रहे थे? प्रॉफिट अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? बोलो, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाल लेते? प्रॉफिट अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। सिंपल, प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट अपॉन सेल्स। मतलब आपके सेल्स में से कितना परसेंटेज प्रॉफिट का होता है, वैसे ही कॉन्ट्रीब्यूशन परसेंटेज क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। इसको हम लोग नाम देंगे पीवी रेशियो। क्या नाम देंगे इसको? पीवी रेशियो।
पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन जितना आपने कमाया है डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100%. अगेन पीवी रेशियो इज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100%. ठीक है, पीवी का पूरा नाम क्या होता है? पीवी का पूरा नाम होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. इसका पूरा नाम क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. ये हमको क्या बताएगा कि जब ज्यादा सेल्स करेंगे, जब ज्यादा सेल्स करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा. ये हमको कौन बताएगा? पीवी रेशियो. ठीक है, सो द होल नेम इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. ठीक है, आप सिर्फ इतना तक लिखिए फिर हम स्टार्ट करते हैं. तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे मिलेगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटाएंगे तो मिलेगा प्रॉफिट. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन. अच्छा, एक दो और तरीके से हम लोग ट्राई करते हैं. ध्यान दीजिएगा, पहले कुछ फॉर्मूलास को हम लोग सीख रहे हैं. हम लोग सीखते आए हैं कि सेल्स माइनस कॉस्ट विल गिव यू प्रॉफिट, और कॉस्ट के दो हिस्से होते हैं. कौन कौन से? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट. दिस गिव्स यू क्या? प्रॉफिट. तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग क्या नाम दे रहे थे? कॉन्ट्रीब्यूशन. तो कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटा रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? प्रॉफिट. एक और फॉर्मूला बन के आ गया कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन इज प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. अब देखना इस कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या निकल कर के आ रहा है. एक एग्जांपल हम लोगों ने लिखा था, उसमें हमने आपसे कहा कि 20 रुपया पर यूनिट आपकी कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है, 16 रुपये पर यूनिट आपकी कॉस्ट है. तो हर एक्स्ट्रा यूनिट बेच करके आप कमा तो 4 रुपये रहे हैं ना. वो फिक्स्ड कॉस्ट इनकर किया वो अलग चीज है. हर एक्स्ट्रा यूनिट बेच करके आपके पास में 4 रुपए आ रहे हैं ना, वो फिक्स्ड कॉस्ट तो लगना ही लगना है. ठीक है, सो देयरफॉर इसको एक अलग से नाम दिया गया, क्या? कंट्रीब्यूशन. क्लियर है? चलिए इतना तक लिखिए. पीवी रेशियो इज क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटाया प्रॉफिट. इतना तक याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी. ये तो बस इसलिए कि ये फॉर्मूलाज भी होते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं. लिखिए, इफ अ फर्म प्रोड्यूसेस and sells, if a firm produces and sells 8,000 units of a good, if a firm produces and sells, kitne units? 8,000 units of a good, comma, calculate its profit, comma, contribution,
पीवी रेशियो इफ इफ पर्टिकुलर्स लिखिएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू ₹40, variable cost per unit is equal to ₹30, fixed cost तो पर यूनिट होता नहीं है, ये तो इन टोटालिटी लगता है, इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। इसका फॉर्मेट एक बार आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसका फॉर्मेट कैसे करके रखना है एक बार ध्यान सुनना। आप सबसे पहले इसी फॉर्मेट को फॉलो करें, सबसे सिंपल वाला है, ठीक है। सेल्स पर यूनिट लिखना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिखना, तो बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन भी कैसे मिलेगा, पर यूनिट। अब टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या किया जाए बताओ, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं इसके अंदर, 8,000, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें से फिर क्या घटाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। सिंपल है, चलिए लिखिए, सेल्स पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिर मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 8,000, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कमा लिया हमने, 80,000, माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, कितना, 20,000, तो प्रॉफिट कितना मिला हमको, 60,000। बताइए क्या क्या निकालना है इसके अंदर, प्रॉफिट आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और टोटल भी आ गया। पीवी रेशियो निकालने के लिए बताओ पीवी का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लें या टोटल लें, पर यूनिट ले लेंगे तो भी तो सही होगा, सभी लोग सुनो ध्यान से, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लें या टोटल लें, आंसर तो सेम होगा ना, 40 में 100 कमाए या 400 में 1,000, बात तो एक ही है ना, 100 में 40 कमाए या 1,000 में 400, बात तो एक ही है ना, है कि नहीं है, तो यहां पे एक यूनिट के लिए निकालें या 8,000 यूनिट के लिए, बात तो सेम है, तो कंट्रीब्यूशन हम पर यूनिट निकालें या टोटल निकालें, इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम, क्लियर, इंटू 100% कितना आ रहा है बताओ, 10 upon 40 into 100% कितना हो गया, 25%। नेक्स्ट लिखिए, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स, ये सबने लिख लिया ना, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹50,
सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹50 और एक्सपेंसेस अभी हम आपको बता रहे हैं इसके नीचे कौन कौन से हैं। डायरेक्ट मटेरियल, जिन लोग की आज फर्स्ट क्लास है उनको बता दें कि जितने भी डायरेक्ट खर्चे हम लिखेंगे वो सब के सब वेरिएबल होंगे और जितने इनडायरेक्ट खर्चे हैं उनको फिक्स मान करके चलेंगे। अगर कोई डायरेक्ट खर्चा लिखा हुआ है तो फिर इट इज़ वेरिएबल, अगर कोई इनडायरेक्ट खर्चा लिखा हुआ है इट इज़ फिक्स्ड। तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इज 10, डायरेक्ट लेबर 5 per hour और हमारे लगते हैं 3 hours, और फिर लिखना ओवरहेड्स, ओवरहेड्स रुपीस 30, एक सेकेंड ₹20 कर लेना इसको ₹20, और इसमें लिखना 40% वेरिएबल, 40% वेरिएबल। कैलकुलेट पीवी, आपको इस सवाल में केवल इतना करना है कि ये बताना है वेरिएबल कॉस्ट कितना है। तो ये वाला खर्चा, ये डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा क्या है? वेरिएबल। डायरेक्ट लेबर का खर्चा, अच्छा डायरेक्ट लेबर का खर्चा है कितना? 15, 5 rupees per hour, 3 घंटे का कितना हो गया? 15। और ओवरहेड्स के अंदर में जो ₹20 लगे हैं इसका 40% वेरिएबल है, मतलब ₹8। तो बताओ 10, 15 और 8, हमारा टोटल वेरिएबल खर्च कितना हो गया? 33। सेलिंग प्राइस कितनी है? 50। क्या इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है पीवी निकालने के लिए? हमें दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन सी दो चीज़ें? एक सेलिंग प्राइस और एक वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? चलो लिखो। कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ रहे। सेलिंग प्राइस है 50, वेरिएबल कॉस्ट एक एक करके जोड़ते जाते हैं 10, 15 और लास्ट वाला कितना था? तो ऐड करके हो गया ये 25, 33। इसको माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 70। तो पी वी इज इक्वल टू 17/50 × 100% इज इक्वल टू 34%। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। अब ये वाला बताओ, इफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ गुड इज 65% ऑफ सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड इज 65% ऑफ सेल्स, कैलकुलेट पीवी। बताओ पीवी कितना हो जाएगा? नहीं, सेम क्वेश्चन में नहीं, अलग, ये खुद में एक क्वेश्चन है। थिंक एन आंसर। वेरिएबल पोर्शन है 65, हाँ सही है। वेरिएबल पोर्शन कितना है? 65। बताओ रिमेनिंग क्या हो गया? 35। यही हमारा पीवी हो जाएगा। अरे ऐसे सोचो, अगर ₹100 हमारी टोटल सेल्स है तो 65 का क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो 35 का क्या है? कंट्रीब्यूशन। फिर से बोल दें, ₹100 की सेल्स तो 65 का वेरिएबल कॉस्ट, तो फिर कंट्रीब्यूशन कितने का? 35। वेरी सिंपल। तो बस इसका तो वन वर्ड आंसर था, कंट्रीब्यूशन 35%।
सर बस यही सवाल चाहिए एग्जाम में। कितनी बार आया है ये बताओ। मतलब ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसके साथ में एक और पोर्शन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला लिखो। इफ द सेल्स ऑफ अ गुड, इफ द सेल्स ऑफ अ गुड इज रुपीज 2 लाख, इफ द सेल्स ऑफ अ गुड इज रुपीज 2 लाख एंड इट्स पीवी रेशियो इज, एंड इट्स पीवी रेशियो इज 25%, एंड इट्स पीवी रेशियो इज 25%, फुल स्टॉप, कैलकुलेट द प्रॉफिट इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज, कैलकुलेट द प्रॉफिट इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज, फिक्स्ड कॉस्ट इज 20,000, कैलकुलेट द प्रॉफिट इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज 20,000। चलो स्टार्ट करो। आंसर आया? सुने ध्यान से, हमको दिया हुआ है पीवी रेशियो कितना, पीवी रेशियो कितना 25%। जिसको पहले कहना सीखे, पीवी रेशियो 25% का मतलब जितनी सेल्स किए होंगे उसका 25% कंट्रीब्यूशन कमाए, जितनी सेल्स किए होंगे उसका 25% हमने कंट्रीब्यूशन कमाया है। तो कितनी सेल्स किए हैं, 2 लाख रुपए की सेल्स की हैं, इसका 25% कंट्रीब्यूशन कमाए हैं, बताओ क्या, 50,000। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। सिंपल तो है, लेकिन बस इतना कहना आना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो है क्या, कि कितना परसेंट का हमने कंट्रीब्यूशन अर्न किया है। पीवी रेशियो का दूसरा नाम भी होता है, जैसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट परसेंट, जीपी परसेंट, वैसे ही करके पीवी को बताओ क्या नाम दे सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन परसेंट। इसको हम लोग ने क्या नाम दे सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन परसेंट। ठीक है, तो पीवी अगर कितना है 25%, तो सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 था, देखो पीवी इज इक्वल टू 25%, सेल्स इज इक्वल टू 2 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन इज 25% ऑफ 2 लाख, कितना हो गया 50,000। तो प्रॉफिट क्या होगा, इस कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स्ड खर्चा भी माइनस कर दें, मतलब 50,000 में अगर हम 20,000 भी माइनस कर दें, तो बचा हुआ पैसा हमारा क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको आराम से। Selling price of a good is rupees
80 पर यूनिट, इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज 50% ऑफ सेल्स एंड इट earns a profit of 6 rupees. खासा क्वेश्चन लिखने वाले थे. $25,000 at a level of 1,000 units calculate fixed cost. जिनको दिक्कत हो रही है उनको इतना बताएं कि आप लोग जितना फाइंड आउट कर पा रहे हैं उतना करिए, अल्टीमेट आंसर अपने आप आ जाएगा. जितना निकाल पा रहे हैं उतना निकालिए. हमको दिखाई दे रहा है सेलिंग प्राइस, हमको दिखाई दे रहा है वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन तो निकाल ही सकते हैं. और नंबर ऑफ यूनिट्स अगर 1,000 हैं तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा. कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, प्रॉफिट आ गया, इसके बीच में अंतर तो फिक्स कॉस्ट का ही है ना, तो आंसर आ जाएगा. और देखते हैं, फिक्स कॉस्ट निकालना था, सेलिंग प्राइस 80, वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस का 50%, 40, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40, नंबर ऑफ यूनिट्स 1000, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना कमाया, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना कमाया, 40,000. अब इतना हमको मालूम है कि प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन के बीच में अंतर क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट. हम लोग ऐसे करके लिखते हैं ना कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा. तो इस बार कंट्रीब्यूशन भी है, प्रॉफिट भी है, फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं. तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट. फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन 40,000 माइनस प्रॉफिट 25,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया, 15,000. सिंपल आ रहा है यहां तक. चलो नेक्स्ट लिखो. इफ अ फर्म अर्न्स a profit of rupees, if a firm earns a profit of rupees 2 per unit, if a firm earns a profit of rupees 2 per unit at a selling price of rupees 10 per unit,
एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज 10 पर यूनिट ऑन ऑन 5000 यूनिट्स ऑन 5000 यूनिट्स. कितने यूनिट्स पर? 5000 यूनिट्स पर हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 2 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं. जब सेलिंग प्राइस कितनी है? 10 रुपए है. ठीक है, फुल स्टॉप. इफ इफ वेरिएबल कॉस्ट इज, इफ वेरिएबल कॉस्ट इज 40% ऑफ सेल्स, इफ वेरिएबल कॉस्ट इज 40% ऑफ सेल्स, फुल स्टॉप. कैलकुलेट कैलकुलेट पॉइंट नंबर 1 फिक्स्ड कॉस्ट, पॉइंट नंबर टू प्रॉफिट एट अ लेवल ऑफ, प्रॉफिट एट अ लेवल ऑफ, पिछला वाला कितना था 1000. प्रॉफिट एट अ लेवल ऑफ 1500 यूनिट्स, 1500. प्रॉफिट एट अ लेवल ऑफ 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स, इस पे कितना प्रॉफिट होगा? ठीक है, इसको एकदम आराम से आप स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिख करके करिए. देखिए, एक भी क्वेश्चन रिपीटेशन नहीं है, हर एक क्वेश्चन एक नया वैरायटी है, तो आपको ट्राई करना है इसको. ठीक है, हालांकि बताएं बहुत बहुत ही आसान सा सवाल है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे करके निकाल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी पर यूनिट नहीं होता है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है और उसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है. अगर फिक्स्ड कॉस्ट आ गया है तो अब आपको बताना है कि अगर हम 1500 यूनिट सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा. ठीक, हजार यूनिट पे प्रॉफिट, 1500 यूनिट पे लॉस आ सकता है? बताओ सेलिंग प्राइस कितनी? 10. वेरिएबल कॉस्ट कितना? 40% 10 रुपए का, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? तो हम टोटल कंट्रीब्यूशन कितना कमाते हैं यूनिट्स के हिसाब से? हाँ, कितने यूनिट्स हैं? 5000 यूनिट्स हैं. सॉरी, अरे ठीक है, बता रहे हैं. हाँ, कितने यूनिट से? 5000 यूनिट है, तो 1500 फिर क्यों लिखा आप लोगों ने? हाँ, तो 1500 पे तो लॉस आ ही सकता है. ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, चलो सही है. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 6. कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 5000. तो बताओ टोटल कितना कंट्रीब्यूशन कमाए हैं? टोटल कितना कंट्रीब्यूशन कमाए हैं? 30000. प्रॉफिट पर यूनिट कितना है? तो टोटल प्रॉफिट कितना है बताओ? 2 × 10000, कितना? 20000. बताओ प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन के बीच का अंतर क्या? फिक्स्ड कॉस्ट. कितना हो गया फिक्स्ड कॉस्ट?
10,000, बात खत्म। बस समझ गए, ठीक है, समझ में आया। अब बताओ कितने यूनिट, अब तो सब अपने हाथ में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना तक आया कि नहीं आया? अब बताओ कितने यूनिट बना रहे हैं? हाँ 1500। बताओ कितने भी यूनिट बनाएंगे कंट्रीब्यूशन 6 रुपया ही कमाएंगे, या फिर 6 रुपये पर यूनिट कमाएंगे, या फिर ये भी चेंज होगा? ये चेंज नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हमेशा ही 6 रुपया होगा ना। फिर से लिखे सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट उतना ही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कोई मतलब नहीं है, कंट्रीब्यूशन हमेशा उतना ही होगा, ठीक है। पीवी रेशियो चेंज नहीं होता है, पीवी रेशियो उतना ही रहता है। आप ज़्यादा यूनिट बेचेंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, कम यूनिट बेचेंगे तो कम कमाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम 6 रुपये पर यूनिट कमाते हैं तो हमेशा ही कितना कमाएंगे? 6 रुपये। बताओ पीवी रेशियो कितना है? 60%। तो हमेशा ही पीवी रेशियो कितना रहेगा? 60%, ठीक है। अब देखो क्या कह सकते हैं इसके अंदर कि कितने यूनिट्स बेच रहे थे तो कंट्रीब्यूशन कितना कमा लेंगे? 1500 × 6, 9000। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 20,000। तो लॉस आ रहा है, कितने का लॉस आ रहा है? 11,000 का लॉस आ रहा है। क्लियर? चलो यहां तक कोई डाउट नहीं। तो पीवी का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा और इसको नाम दिया हम लोगों ने क्या? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब इसका मतलब भी समझते हैं कि ये पीवी रेशियो असल में होता क्या है और इसका नाम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्यों पड़ा। इसका नाम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इसलिए पड़ा क्योंकि अल्टीमेटली ये यही बात इंडिकेट करेगा कि जैसे जैसे आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी वैसे वैसे करके प्रॉफिट चेंज होगा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी वैसे वैसे करके प्रॉफिट बढ़ेगा। आओ देखते हैं कैसे, जादू दिखाएंगे आप लोगों को। मान लो सेलिंग प्राइस 20, हम एक यूनिट बेचते हैं, सेलिंग प्राइस 20, वेरिएबल कॉस्ट 10, ठीक, और फिक्स्ड कॉस्ट 5 रुपये ही है, टोटली फिक्स्ड कॉस्ट 5 रुपये, ठीक, दिस इज टोटल। तो बताओ प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट कितना हो गया? 5। हम दो यूनिट बनाते हैं तो सेलिंग प्राइस बताओ, वेरिएबल कॉस्ट बताओ, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट आज भी 5। बताओ प्रॉफिट, बताओ प्रॉफिट 15। अब यहां पर सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बताओ कंट्रीब्यूशन कितना है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन कितना है? सो गए हैं सबके सब। और यहां पे कंट्रीब्यूशन कितना है? 10, 20। चेंज इन कंट्रीब्यूशन बताओ, चेंज इन प्रॉफिट बताओ, मतलब हम, अच्छा आप कहेंगे सर अभी कुछ नहीं आया। इतना समझो बस खाली कि जितना चेंज इन प्रॉफिट हो रहा है उतना ही चेंज इन, मतलब जो चेंज इन प्रॉफिट है वो किसकी वजह से है? चेंज इन कंट्रीब्यूशन की वजह से है। तो जितना चेंज इन प्रॉफिट होता है उतना ही हमारा चेंज इन कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि इसके बाद जो लिखा हुआ फिक्स्ड कॉस्ट होता है उसमें तो कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो पीवी रेशियो हमें क्या इंडिकेट करता है, क्योंकि आप कहेंगे सर ये तो कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम रेशियो नाम रखना चाहिए था ना, अगर पीवी है तो पीवी का मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और हमने कहा जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे करके प्रॉफिट बढ़ेगा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे करके प्रॉफिट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, जितना कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है उतना ही क्या बढ़ रहा है? प्रॉफिट, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है? पीवी रेशियो। अब देखो इससे हमको क्या इंडिकेट हो रहा है, बताओ इसका पीवी रेशियो कितना है? पीवी रेशियो बता दो। अरे नशेड़ी बच्चे हैं सब,
50% कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स कितना हो गया 50%, यहां पर कितना है 20/40, ये भी कितना है, पीवी रेशियो उतना ही रहेगा ना, कितना 50%। अब देखो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपकी सेल्स बढ़ेगी 20 रुपए से तो प्रॉफिट बढ़ेगा उसके 50% 10 रुपए से, ठीक है, सेल्स बढ़ेगी 20 रुपए से तो प्रॉफिट उसका 50% 10 रुपए से बढ़ जाएगा, सेल्स अगर बढ़ेगी 100 रुपए से तो प्रॉफिट उसका 50% 50 रुपए से बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? और प्रैक्टिकली बात करते हैं, देखो ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग इसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं, कैसे करके, जैसे अगेन हम अपने आप से रिलेट करते हैं कि वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच, एक नया बैच हम लोग ने स्टार्ट किया फॉर अ वेरी न्यू कोर्स, तो उसके अंदर में क्या हुआ, राइट नाउ वी हैव वेरी लेसर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग कि नहीं इसमें प्रॉफिट क्या आ रहा है, तो वी सॉ कि देयर वाज वेरी लीस्ट प्रॉफिट इन इट, बट वी सॉ कि देखो इसमें वेरिएबल कॉस्ट काफी कम लगता है, क्योंकि एक बच्चा आया, वेरिएबल कॉस्ट क्या, बुक्स की प्रिंटिंग और कुछ तो नहीं है ना, बाकी सारा खर्चा फिक्स्ड है, मेरे लिए सारे खर्चे फिक्स्ड हैं, आपकी बुक्स की प्रिंटिंग बस खाली वेरिएबल है, और सारे खर्चे क्या हो गए फिक्स्ड। तो हमने क्या देखा, देखो हमारा पीवी रेशियो काफी हाई है, तो जैसे ही एक और बच्चा आएगा 80% का पीवी है हमारा, 80% से प्रॉफिट राइज कर जाएगा, तो फिलहाल के लिए जैसे ही हमारी सेल्स बढ़ेगी, मतलब एक भी बच्चा अगर और आता है तो आवर प्रॉफिट विल इंक्रीज वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाएगा। तो हमको मालूम है कि हमें अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हर बिजनेस ये निकालना चाहेगा कि जब उसकी सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट कितनी तेजी से चेंज करेगा, तो वही चीज कौन इंडिकेट करता है, पीवी रेशियो, इट इंडिकेट्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, हाउ योर प्रॉफिट विल चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, हाउ योर प्रॉफिट विल चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, दिस इज इंडिकेटेड बाय क्या, पीवी रेशियो। क्लियर है सबको, पक्का? चलो इसके लिए भी एक लाइन लिखते हैं, लिखिए नोट, जब भी आप इन सब थ्योरी वगैरह पे आ जाएं कुछ हेडिंग दे दिया करो ताकि इसको पहचान सको, लिखिए नोट, पीवी रेशियो इंडिकेट्स हाउ द प्रॉफिटेबिलिटी चेंजेस with the change in level of how the profitability changes with the change in level of with the change in level of business activity with the change in level of business activity full stop it is also called as ये लिखना है आपको CVP कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉमा विच टेल्स अस regarding the relationship between volume of production, comma, cost incurred and profit earned, मतलब कितना प्रोड्यूस करेंगे तो कितना कॉस्ट लगेगा और कितना प्रॉफिट होगा, इस चीज की रिलेशनशिप बताता है कौन, CVP एनालिसिस, और ये किसकी मदद से करते हैं, पीवी रेशियो की मदद से करते हैं। क्लियर है यहां तक, ठीक है? चलो आगे, पीवी रेशियो का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, वी से कि PV ratio is equal to change in contribution upon change in sales, again into 100%,
बताओ अगर चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन लिख रहे हैं तो यहां से देख करके आपने क्या जाना, किसको और क्या लिख सकते हैं, 10/20 वो तो ठीक है, लेकिन चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, चेंज इन प्रॉफिट, क्योंकि जितना चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन था उतना ही चेंज इन प्रॉफिट था कि नहीं था। तो चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन की जगह हम लोग एक और फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। क्लियर है यहां तक, इसको लिखिए फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर बताना, क्वेश्चन नंबर अच्छा ये लिखेंगे क्या, ये एक एग्जांपल लिखेंगे, एक एग्जांपल लिख लो इसका, सीधे मना कर देते हैं आप लोग नहीं लिखेंगे। ये सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख करके कंट्रीब्यूशन लिखना है यहां पे, समझ रहे हो, फिर यहां पे दिखाना कि चेंज इन कंट्रीब्यूशन 10, चेंज इन प्रॉफिट ये भी 10। फॉर्मूला लिख लिया ना, उसको मिटाते हैं। Next year, the sales increased to rupees 4 lakh and profit increased by 20%. Calculate P. सिंपल सा सवाल है, बताओ क्या करना है इसमें, कौन सी दो चीजें हमको चाहिए, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट चाहिए, चेंज इन सेल्स चाहिए, चेंज इन प्रॉफिट निकाल लो कितना है, 20% का अगर चेंज है तो 20% किसका, बस इतना बता दो, ध्यान सुनना क्या लिखा है, प्रॉफिट इंक्रीज बाय 20%, इसका मतलब क्या, हाँ सही जवाब देते हैं तब तो कॉन्फिडेंस से बुला करिए, कितने का 20%, 45,000 का 20%, प्रॉफिट हैज इंक्रीज बाय 20%, इसका मतलब ये पहले कितना था 45, अब चेंज इन प्रॉफिट कितना हो गया 20% ऑफ 45,000, 9,000 रुपए से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है, ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट कितना हो जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट इज इक्वल टू, चेंज इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ 45,000 इज इक्वल टू कितना बताइए, 9,000, एंड चेंज इन सेल्स कितना है बता दो, चेंज इन सेल्स कितना है, 1 लाख रुपए, चेंज इन सेल्स 1 लाख, चेंज इन प्रॉफिट 9,000, तो बताइए पीवी रेशियो कितना हो गया, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100% इज इक्वल टू 9%। अब जब कैलसी पे करते हैं ना तो इनटू 100 के बाद परसेंटेज बटन मत दबा दिया करो जोश में, परसेंटेज को एज इट इज रहने दिया करो,
ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका पीवी रेशियो 50% था इसलिए ऐसा हो रहा था। इसका पीवी रेशियो अलग है, ठीक है, इसका पीवी रेशियो 9% का। देखिए चेंज इन प्रॉफिट हुआ था 20%, हमने लिखा कि 20% से प्रॉफिट बढ़ गया, तो जब सेल्स 3 लाख से 4 लाख हुई तो 1 लाख रुपए की सेल्स हमने एक्स्ट्रा की ना, इस 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सेल्स से हमने एक्स्ट्रा कितना कमाया, 20% पिछले वाले से ज़्यादा कमाया, मतलब 45,000 का 20% 9,000 रुपीज इस बार हमने ज़्यादा कमाए, तो पीवी रेशियो क्या हो गया, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, a firm earned a profit of rupees 80,000 in the first half, rupees 80,000 in the first half, when its sales was rupees 3 lakh, when its sales was rupees 3 lakh, full stop, its profit increased to rupees 1,20,000, 1,20,000, its profit increased to 1,20,000 in the second half, when sales was rupees, पिछले वाला कितना था, 4 लाख, when sales was rupees 4 लाख, calculate PV 10%, 40% आया, कितना आ रहा है, 40% आ रहा है, आया। अरे पढ़ो, सवाल पढ़ो, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, प्रॉफिट कितना चेंज हुआ, सेल कितना चेंज हुआ, 40% आ रहा है ना, लिख करके करिएगा आप लोग प्रॉपरली। ऐसे नहीं बस कैलसी पे 40 आ गया तो हाँ हाँ हो जाएगा, देख लीजिए लिख करके कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। पीवी के लिए हम लोगों ने कहा कि पीवी इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट ऑन चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट इज 40,000, चेंज इन सेल्स इज 1 लाख इंटू 100%, 40%। इस सवाल के अंदर, अच्छा इस सवाल को आपको और सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं, देखो सभी लोग, सेल्स कितना, शुरुआत में कितना था, 3 लाख, प्रॉफिट कितना था, 80,000, फिर जब सेल्स कितना है, सभी लोग फोकस करिए प्लीज, सेल्स कितना है, 4 लाख, तो प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। ना लायक हर नए कॉन्सेप्ट पे कोई ना कोई। अब बताओ पीवी कितना है, 40%, कौन बता सकता है कि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, सर जिसको बताना है बताएं, हम रिलैक्स कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सोचें और बताएं कि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, कितना रहे, 2,20,000, कैसे, सेल्स माइनस प्रॉफिट करके फिक्स्ड कॉस्ट आता है कि टोटल कॉस्ट आता है,
और हम बता रहे हैं, जब उसका सॉल्यूशन बताएंगे ना आप लोग कहेंगे अच्छा इतना आसान था। सेवेंटी ट्वेंटी कैसे? कैसे? ये क्या होगा? और प्रॉफिट कितना है? तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। अरे अब तो कह दो, ये 3 लाख का 40% क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? अब देखो, अब ये नहीं, अब नहीं सर, हम दोहराते नहीं हैं सर, जिसका है उसी को क्रेडिट लेने दीजिए। 3 लाख का 40% 1,20,000 रुपए क्या हो जाएगा आपका? कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट करके क्या मिल जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन और अंतर के बीच में वही फिक्स्ड कॉस्ट का अंतर होता है ना, तो 40,000 रुपए क्या हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा यहाँ पे ट्राई करते हैं, देखो जादू, इसका 40% निकालो कितना आएगा? 1,60,000। कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट कितना? 1,20,000। तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया? 40,000। सिंपल तो है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है, हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि ये हाफ बाय हाफ है, मतलब ये हाफ हाफ है, ये आधे साल का है, ये आधे साल का है, तो पूरे साल का कितना हो गया? 40,000 प्लस 40,000 80,000। अगर हम कहते हैं ये ईयर बाय ईयर है, ध्यान से सुनना, अगर ये ईयर बाय ईयर है, ये पहले साल का है दूसरे साल का है, तो 40,000 पहले साल का, 40,000 दूसरे साल का, लेकिन ये आधे साल का, ये आधे साल का, तो पूरे साल का 80,000 हो गया। हमने कैसे करके लिखवाया आपको? इन द फर्स्ट हाफ, उसको पूरा कर लो, इन द फर्स्ट हाफ ईयर, ताकि एकदम क्लैरिफाई हो जाए। फर्स्ट हाफ ईयर, तो इसको ऐसे करके लिख लीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट, या पहले कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन इज सेल्स इनटू पीवी, मतलब 1,20,000 माइनस कर देंगे इसमें से प्रॉफिट 80,000, तो हमको मिल जाएगा क्या? फिक्स्ड कॉस्ट कितना? 40,000। ठीक है, ये हो गया अपना फिक्स्ड कॉस्ट। ये क्या हो जाएगा फॉर हाफ ईयर? तो फॉर फुल ईयर फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा? फॉर फुल ईयर अपना फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा? यहां तक आ रहा है? इतना तक आ गया सबको? चलिए, अपने बुक के पेज नंबर 2 पर ही स्टार्टिंग चैप्टर ही मार्जिनल कॉस्टिंग है। इसमें एक्चुअली इंडेक्स इंक्लूड नहीं हो पाया है, हमारे प्रिंटिंग वाले की मेहरबानी की वजह से उसने इंडेक्स छोड़ करके बाकी सब निकाल दिया। तो सीवीपी एनालिसिस है इसके अंदर में, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आप लोग ट्राई कर लीजिए अभी तुरंत। तब तक हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ट्राई करो, ट्राई करो, क्या ब्रेक है, क्या है ऐसे ऐसे क्या? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 शाम को ये जो बच्चे बैकअप कर रहे हैं उन लोग को बता दें, आप लोग भी क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ट्राई करें। अरे दूसरे पन्ने पर है, प्रीफेस के पहले पन्ने पे हमने आपके लिए कुछ लाइंस लिखी हैं, पढ़ा है, चलो उसको फॉलो करने की बारी आ गई।
चलो पहला वाला हो गया। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड मिला करके आपने कर लिया वेरिएबल कॉस्ट 15, तो कंट्रीब्यूशन 10, पीवी रेशियो 10/25 × 100%। आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में इंफॉर्मेशन मिसिंग है, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया हुआ है इसके अंदर में, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 स्किप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से आप कर सकते हैं। 1 कर लिया आप सबने, 2 कर लीजिए, सॉरी 3 कर लीजिए और 4 कर लीजिए। फोर्थ वाला जिसने सही किया, हाँ उसकी शाबाशी मिलेगी, नालायक खर्चा मत कराओ तुम लोग। पंद्रह कैसे आया है? 8, 5, 2, 8, 5, 2, 10 कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। पीवी इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100%, 10/25 × 100%, 40%। क्वेश्चन नंबर 3, पीवी इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100%। अपॉन चेंज इन सेल्स 1 lakh इनटू 100%, 30% हो गए। देखो इसमें कुछ डबल जैसा नहीं करना है, इसमें डबल डबल मत कर देना, वो तो एकदम अलग तरीके का सवाल था कि हाफ ईयर में इतना, हाफ ईयर में इतना। ये तो दो अलग अलग सिनेरियोस बता रहा है कि एक सिनेरियो में इतना प्रॉफिट इतना सेल्स, फिर इतना प्रॉफिट इतना सेल्स। आपको पीवी निकालना है, कंट्रीब्यूशन निकालना है, फिर फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। ये आप किसी भी एक सेल लेवल पर कर सकते हैं। पहला वाला ले रहे हैं जब सेल्स 5 lakh है, व्हेन सेल्स इज इक्वल टू 5 lakh तो कंट्रीब्यूशन कितना है अपना 5 lakh का 30%, 1,50,000। और प्रॉफिट कितना कमाते हैं हम लोग, प्रॉफिट कितना कमाते हैं,
अच्छा 1,20,000 है, 1,20,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया 30,000। इसके बाद इसमें और भी कुछ पूछ रहा था क्या? सेल्स ऑफ 10 लाख, जब सेल्स 10 लाख है, जब सेल्स 10 लाख है तो बताओ कंट्रीब्यूशन कितना कमाएंगे? जब सेल्स 10 लाख है तो कंट्रीब्यूशन कितना कमाएंगे? 10 लाख का 30%, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 10 लाख का 30% कितना हो गया? 3 लाख। इसमें से क्या माइनस कर दें? फिक्स्ड कॉस्ट। माइनस कर दिया हमने फिक्स्ड कॉस्ट, माइनस कर दिया फिक्स्ड कॉस्ट, कितने रुपए? 30,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया बताओ? 2,70,000। बताओ क्लियर है क्या? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 कितने लोग कर पाए? क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाइए। है 25%, 25 आ रहा है, मे बी चेक करते हैं। ठीक है चलो, और किसी का आंसर आया? पीवी रेशियो आया क्या आपका क्वेश्चन में 4 में? पीवी रेशियो निकाल पाए आप? कितना आ रहा है? 25% इज द करेक्ट आंसर। कैसे करके आ रहा है इसको समझिए। चेंज इन प्रॉफिट कितना है पहले ये बताइए। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ फर्म इनकर्स अ लॉस ऑफ कितना? 20,000 एट अ सेल्स लेवल ऑफ 2 लाख। फिर लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000 एट अ सेल्स ऑफ 4 लाख। तो माइनस 20,000 से हम प्लस 30,000 पर आ रहे हैं, माइनस 20 से प्लस 30 पर आ रहे हैं, बताओ कितने का चेंज है? 50,000 का चेंज है, 50,000 का चेंज है। समझ में आ रहा है क्या? 50,000 का चेंज है, देयर इज अ चेंज ऑफ 50,000, बिकॉज माइनस 20,000 से हम प्लस 30,000 पर आ गए हैं, मतलब 50,000 का चेंज है। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000। चेंज इन सेल्स कितना हो गया? 2 लाख। अरे समझ में आया? चेंज इन सेल्स इज 2 लाख एंड चेंज इन प्रॉफिट इज 50,000। सो व्हाट इज पीवी? पीवी इज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। पीवी चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100%। Now what is change in profit? अगर आप इसको चाहते हैं कि आपको लिख करके दिखाएं, न्यूमेरिकली लिख करके दिखाएं, तो आप कह सकते हैं 30,000 माइनस माइनस 20,000 था, तो इसीलिए जो चेंज है वो 50,000 का हो गया, अपॉन चेंज इन सेल्स 2 लाख था इनटू 100%। इसका मतलब 50,000 अपॉन 2 लाख, दिस इज 25
परसेंट। अब बाकी का तो सेम वैसे ही होगा ना, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट निकालना है एट सेल्स ऑफ कितना 5 लाख। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे करके निकालेंगे, अब देखना इसमें कॉस्ट के अंदर में भी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप लॉस वाला फिगर लेंगे तो फिक्स कॉस्ट निकालने में दिक्कत होगी। चलो लेकिन हाँ प्लस करना है, लेकिन एक बार करके देखते हैं। बताओ सेल्स कितना है, 2 लाख। तो अगर सेल्स 2 लाख है, अगर सेल्स 2 लाख है तो हमने कंट्रीब्यूशन कितने का कमाया, कंट्रीब्यूशन कितने का कमाया, 2 लाख का 25%, मतलब कितना हो गया 50,000। अब कंट्रीब्यूशन के अंदर में हम लोग प्रॉफिट को माइनस करते थे, माइनस करते थे प्रॉफिट को, तो प्लस करेंगे किसको, लॉस को। लॉस कितना था 20,000। तो बताइए फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, 70,000। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पे। बताओ समझ में आया कि नहीं, पक्का यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हमारे पास में फिक्स्ड कॉस्ट आ गया है, अब किस पे बताना है, 5 लाख पे। तो 5 लाख का 25% कितना हो जाएगा, 1,25,000। ये क्या हो जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन, उसमें से क्या घटा देंगे फिक्स्ड कॉस्ट 70,000। तो क्या मिल जाएगा प्रॉफिट। ऐसे ही ना कर रहे हैं इतनी देर से हम लोग, चलो कर लो। तो जब सेल्स 5 लाख है तो कंट्रीब्यूशन 5 लाख का 25% होगा, मतलब ये हो जाएगा 1,25,000। माइनस कर देंगे इसमें से क्या फिक्स्ड कॉस्ट 70,000। दिस विल मेक अ कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट ऑफ 55,000। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो फिर पूछिए। इसमें कोई डाउट नहीं है, चलो नया कॉन्सेप्ट, नई क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट हम नए क्लासेस स्टार्ट करेंगे, इतना आप रिव्यू कर लीजिएगा ज़रूर से। अच्छा हे भगवान ये क्या है, ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिख करके रखे थे आपको कराने के लिए, होमवर्क देना पड़ेगा। बताओ क्वेश्चन छूट गया, होमवर्क देना पड़ेगा हमको, ऐसे नहीं नोट करो। अच्छा होमवर्क नोट करो, तभी हम सोच रहे थे कुछ तो छूटा है। लिखो लिखो, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बस, इसलिए ताकि आप घर जा करके रिकैप कर सकें। ठीक है, घर जा करके बोर हो रहे होंगे तो फिर क्या करेंगे, हवन करेंगे सर। लिखो लिखो, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ गुड वॉज रुपीज ट्वेंटी। इफ वेरिएबल कॉस्ट इज 40% ऑफ सेल्स, कैलकुलेट पीवी। नेक्स्ट द पीवी ऑफ अ गुड इज 30%। फुल स्टॉप। इफ सेल्स इज 2 लाख, पीवी ऑफ अ गुड इज 30%। इफ सेल्स ऑफ अ गुड इज 2 लाख एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 50,000 कैलकुलेट प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ सेल्स ऑफ अ गुड
increases from, third question है ये, if sales of a good increases from, if sales of a good increases from rupees 40,000 40,000 to rupees 60,000 60,000, if sales of a good increases from rupees 40,000 to rupees 60,000 and the profit increases from, the profit increases from, the profit increases from rupees 10,000 to 18,000, rupees 10,000 to 18,000, calculate PV, calculate PV. उसी में लिखना also calculate fixed cost, also calculate fixed cost and, also calculate fixed cost and profit at, profit at sales level of 1 lakh and profit at sales level of rupees 1 lakh. फिर एक last question, एक last question, cost per unit, particulars, सबसे पहले number of units, इसको आप cost per unit की जगह rupees per unit लिख दीजिएगा, number of units 1000, direct material 25 रुपए, डायरेक्ट लेबर 10 रुपए, ओवरहेड्स 40% फिक्स्ड 15 रुपए, सेलिंग प्राइस 80, calculate PV and profit, also calculate profit if number of units is equal to 2000. चलिए आज के लिए बस इतना ही, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में करते हैं. थैंक यू वेरी मच.